सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। 1 अगस्त से टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने उतर रही है। इस सीरीज को भारतीय टीम करो या मरो के तौर पर लेगी, क्योंकि इंग्लैंड में 2014 में टीम इंडिया 3-1 से हारी थी। ऐसे में टीम इंडिया के लिए बदला भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस सीरीज में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनका आपस में ही मुकाबला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। विराट कोहली बनाम जेम्स एंडरसन। विराट कोहली जिस कद के बल्लेबाज हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि 4 साल पहले उनका प्रदर्शन कैसा रहा। इस बार कोहली के पास पिछली सीरीज की असफलता को मात देने का शानदार मौका है, क्योंकि उन्होंने 2014 में इंग्लैंड दौरे पर मिली असफलता को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की तेज पिचों पर खूब रन बनाए हैं, और कोहली ने अपनी तकनीक पर भी जबरदस्त काम किया है। ऐसे में जेम्स एंडरसन उनके निशाने पर रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार भी जेम्स एंडरसन ने कोहली को जबरदस्त तरीके से परेशान किया था और विराट कोहली इंग्लैंड में रन बनाने के लिए बेताब रहे थे। ऐसे में इन दोनों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। दूसरी जोड़ी है जो रूट बनाम रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक हैं। उनके स्पिन में इस तरीके से बल्लेबाज फंसता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन इस बार इंग्लैंड में उनका मुकाबला जो रूट से है। इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट स्पिन के खिलाफ सबसे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उनकी तकनीक ऐसी है कि वो अच्छे अच्छे स्पिनरों को पानी पिला देते हैं। ऐसे में अश्विन और जो रूट का मुकाबला जबरदस्त होगा। देखना होगा कौन टक्कर देता है। हाल ही में संपन्न वनडे सीरीज में लगातार 2 शतक भी उन्होंने जड़े हैं। ऐसे में उनकी फॉर्म पर कोई शक ही नहीं है। इसके बाद जोड़ी का नंबर आता है जिंकर राणे बनाम मोइन अली। राणे की बल्लेबाजी तो आपने देखी ही है, किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने हाल ही में आईपीएल में भी की थी, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है और यही कारण है कि उन्होंने 18 में से 17 टेस्ट मैच विदेशी जमीन पर खेले हैं। मुंबई के इस बल्लेबाज का विदेश में रिकॉर्ड गजब का रहा है। उन्होंने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में खूब रन बनाए हैं। हालांकि घरेलू पिचों पे वो संघर्ष करते नजर आए और इसलिए उनका मुकाबला है इंग्लैंड के गेंदबाज मोइन अली से। साल 2014 में मोइन ने राणे को 2 बार आउट किया था। इस सीरीज में मोइन अली अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर अजिंक्य राणे को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जोड़ी आती है एलिस्टर कुक बनाम ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा की गेंदबाजी से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। भुवनेश्वर और जसप्रीत जिस तरीके से चोटिल हैं, ऐसे में ईशांत पर जबरदस्त उम्मीदें होंगी, क्योंकि इस बार टीम इंडिया की गेंदबाजी ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी की तिकड़ी पर ही निर्भर करेगी। 2014 में ईशांत भी इंग्लैंड में आ चुके हैं, तब उन्होंने इंग्लैंड सीरीज के दौरान 2 मैच ही खेले थे जिसमें बाद में वो चोटिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए थे और सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने एलिस्टर कुक को किया था, लेकिन एलिस्टर भी कम नहीं है, वो लगातार शतक मारने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ईशांत का मुकाबला एलिस्टर कुक से होने जा रहा है। देखना होगा ईशांत अब किस तरह की गेंदबाजी कर एलिस्टर को परेशान करेगी, क्योंकि ये सीरीज वाकई नाक की लड़ाई है। आप क्या समझते हैं अपनी राय जरूर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।